अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 जनवरी 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 28 जनवरी की भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, पीएनपी रिजल्ट नोटिस, इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि 29 जनवरी को जारी होगा रिजल्ट, तो इसको भी दोस्तों देखेंगे क्या सचमुच आपका रिजल्ट 29 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दीक्षा ऐप, जल्दी कंप्लीट करें कोर्स। जी हाँ दोस्तों, 31 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आप इससे पहले अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो दो कोर्स हैं दोस्तों, मतलब सब्जेक्ट आपके बचेंगे, एक तो संस्कृत है, दूसरा SST है। तो गाइस, आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन इंटर्नशिप लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग आपकी कब से शुरू होगी, फोर्थ सेमेस्टर टीचिंग क्या दोस्तों अपडेट है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे, और प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। और आपको बता दें, रिजल्ट के लिए सिर्फ dlrdresult.com। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए गाइस, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जारी हो जाता है, तो हमने आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो गाइस, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का लिंक होगा और दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का लिंक होगा, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना रिजल्ट वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको हर रोज चेक करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, हर आधे घंटे में, 30 मिनट में, 45 मिनट में देख लिया करिए। अगर आपका रिजल्ट आ गया होगा तो आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती 2021 की मांग तेज हो चुकी है। किसी को होगा फायदा और किसी का होगा नुकसान, फेल छात्रों को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अगर जितने बच्चे अभी तक ऐसे हैं, मतलब जिनकी किसी न किसी विषय में बैक वैक मतलब बची है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो वो बच्चे नई शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो जाएंगे। अगर दोस्तों नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्दी आ जाती है तो देखिए, डीएलएड 2019 बैच के छात्रों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। तो सभी बच्चों को अपना फायदा यहाँ पर देखना चाहिए। देखिए, नई भर्ती में डीएलएड 2017 बैच को मौका मिल जाएगा, 18 बैच को मौका मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा नया बैच है, इस समय डीएलएड का 2019 का बैच, ये छात्र बाहर हो जाएंगे। अगर भर्ती प्रक्रिया मतलब दिसंबर तक दोस्तों डीले हो जाता है, तो ये मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2019 का नया बैच जो है हमारा, इन छात्रों को भी इसमें मौका मिल जाएगा। तो जो बच्चे 2019 बैच के हैं ना, तो फिलहाल आप लोग को नई भर्ती को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप किसी ऐसे धरने में मत जाइएगा जहां पर नई भर्ती की मांग हो रही हो, नहीं तो आपका नुकसान होगा। हाँ, 18 बैच और 17 बैच के छात्रों का डेफिनेटली फायदा होगा, इनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिन बच्चों की बैक लगी है, सिर्फ नुकसान उनका होगा। बीएड की एक खबर आ रही है, देखिए दोस्तों, 1 फरवरी को जारी हो जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड, सोचिए डीएलएड 2020 का तो अता ही पता नहीं है, और दोस्तों यहाँ पर बीएड 2021 की बातें हो रही हैं। जी हाँ गाइस, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर जब से मौका दिया गया है, तब से बीएड की रफ्तार कैसे बढ़ गई है। चलिए कुछ और अपडेट देखते हैं सोशल मीडिया पर, जो हमारे देश में सबसे बड़ी अपडेट है। हाँ, एक बात और, डीएलएड तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2021 की अपडेट क्या है। फिलहाल दोस्तों, आपका फोर्थ सेमेस्टर का डेट शीट आ चुका है, इसको जरा आपके सामने रखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला आपका पेपर 2 तारीख को होगा, फिर 3 फरवरी को, फिर 4 तारीख को है। तो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में हम आप इसको इसका लिंक दे देंगे, वहां से दोस्तों जाकर आप इस डेट शीट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो डेट शीट की अपडेट हो गई। चलिए जरा देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या अपडेट है। तो हमारे देश में जो दोस्तों ट्रेंड हो रहा है, मोदी राज धर्म निभाओ। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, मोदी जी ने लिखा है या मोदी ही लिखा है, तो आपके सामने दोस्तों जो लिखा हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। 23,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुका। दूसरा दोस्तों दीप और सिद्धू, ये ट्रेंड हो रहा है। चलिए जरा देखते हैं राहुल गांधी का ट्वीट क्या आया इस समय। विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बात किसी के समझ में नहीं आ रही कि ऐसा इस कानून में क्या है कि सरकार वापस नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे किसान के सबसे बड़े संगठन है, देखिए क्या हो रहा है इस समय। ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के लिए किसान नेता भी कम जिम्मेदार नहीं।
जी हाँ दोस्तों, जो भी गोदी मीडिया है भाई वो तो सीधे किसान नेता को ही मतलब हाईलाइट करेगी। ठीक है, एक और अपडेट जरा रखते हैं। ये अपडेट आई दोस्तों, देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कहते हैं, सुनिए जरा इनकी बात को। कानून व्यवस्था और खुफिया तंत्र की नाकामी के लिए गृह मंत्री अमित शाह बर्खास्त हो। उपद्रवी की अगुवाई कर रहे अवांछित तत्वों पर मुकदमा दर्ज ना कर किसान मोर्चा नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने ने, ठीक है, करने से मतलब मोदी सरकार उपद्रवी की मिली मतलब भगत व साजिश को बेनकाब किया है। तो गाइस ये काफी बड़ी बात कही जा रही है। जी हाँ दोस्त, इनका मतलब जो बयान है वो काफी बड़ी बात है। मतलब ये उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिन्होंने गलती की, ये दोस्तों सीधे किसको टारगेट कर रहे हैं, ये किसान नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या अपडेट है दोस्त, इस प्रेस विज्ञप्ति को हमें देखना चाहिए। नई दिल्ली 27 जनवरी 2021, तो इस अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस, आपसे कुछ छूटेगा नहीं। देखिए अगर आप तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी तो गाइस आपका नुकसान होगा। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट मुद्दा याद होना चाहिए दोस्तों आपको, कैसे लाठी डंडे चल गए थे। 18 बैच के छात्र थे, प्रमोट करने की मांग थी, लेकिन दोस्तों पीएनपी सुनने को तैयार नहीं था, जिसके कारण लखनऊ में कैसे लाठी डंडे बच्चों पर बरसे थे वो दिन आपको याद होगा। तो देखिए बहुत सी बातें होती है गाइस जो कि हम अनदेखा कर जाते हैं, लेकिन जब हम पर बीतती है ना तो पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं भाई, जरा इनको देखिए, इंडियन बिलियनर्स, ठीक है दोस्तों, जो भाई इंडिया के सबसे अमीर आदमी है ना, उनके 35% और मतलब भैया बढ़ गया सब हिसाब किताब। मुकेश अंबानी अर्न 90 करोड़ रुपए एन हवर, एक घंटे में दोस्तों, मतलब पैंडेमिक के दौरान की बात हो रही है। सोचिए दोस्तों, अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा, कैसे अमीर बन रहे हैं ये मुकेश अंबानी, मतलब पहले तो इतने नहीं थे, क्या ऐसा हो गया। एक और अपडेट देखिए, दो किसान संगठनों ने खत्म किया आंदोलन, राकेश टिकैत पर भी लगाए गए गंभीर आरोप, ये दोस्तों अपडेट है। चलिए दोस्तों जरा इस अपडेट को देखते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं किस समय बच्चे रिजल्ट के इंतजार में हैं। 861 बच्चे ऑनलाइन है, ठीक है, और जो दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था अब उसकी डेट यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, फिलहाल अब वो भरा नहीं जा पाएगा। ये दोस्तों 17 और 19 बैच के छात्रों का पोर्टल है, रिजल्ट के लिए आप तैयार रहिए। चलिए इस प्रेस विज्ञप्ति को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सी बातें होती हैं जो कि गोदी मीडिया, जी हाँ दोस्तों, एक तो हमारी गोदी मीडिया आ जाती है जो कि आपसे गलत मतलब आप तक गलत खबरें पहुंचाई जाती हैं। जरा इस अपडेट को देखते हैं, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, हमें विपक्षी दल के भाई बातें सुननी चाहिए। देखिए जरा, कानून व्यवस्था और खुफिया तंत्र की नाकामी के लिए गृह मंत्री अमित शाह बर्खास्त हो। किसान आंदोलन को बदनाम करने पर जोर, मांगों के समाधान पर नहीं। उपद्रवी की अगुवाई कर रहे अवांछित तत्वों पर मुकदमे दर्ज न कर किसान मोर्चा नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने ने, मतलब मोदी सरकार उपद्रवी की मिली भगत व साजिश को बेनकाब किया है। क्या दोस्तों लिखते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। साल भर के दोस्तों भीतर दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को उनके पद से फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री अब भी उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो इसका मतलब साफ है कि उनकी दोस्तों श्री अमित शाह से प्रत्यक्ष मिली भगत है। आजादी के 73 सालों में यह पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा करने में बुरी तरह नाकाम रही। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि वहां तक किसान पहुंचे कैसे। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन एक अलग मैटर है, लेकिन वहां तक फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना, जो सेफ जोन होता है, ठीक है, तो मतलब सेफ्टी के क्या पॉइंट्स थे दोस्तों, सब कुछ मतलब आप देखिए आगे अपडेट क्या है कि किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दे दिया गया और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही। भाजपा के करीबी और मोदी साहब के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश है। और दोस्तों अब स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली है। दिल्ली में उपद्रव को रोकने में बुरी तरह नाकाम गृह मंत्री श्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने उपद्रवी की अगुवाई कर रहे दीप सिद्धू वह उनके गैंग की बजाय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उपद्रवियों के साथ भाजपा सरकार की मिलीभगत व साजिश को खुद मतलब बेनकाब कर दिया है। चलिए दोस्तों, जरा दीप सिद्धू कौन जी हैं भैया, इनको देखते हैं।
ये भी इस समय हमारे देश में ट्रेंडिंग नाउ पर चल रहे हैं। देखिए 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुका है दीप सिद्धू के नाम, मोदी राज धर्म निभाओ, इस पर भी 223,000 से ज्यादा ट्वीट है। तो ये दोस्तों हमारे देश की अपडेट है जो कि आपको पता होनी चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों घूम फिर कर हम फिर से आते हैं डीएलएड पर कि डीएलएड में क्या चल रहा है आजकल। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड रिजल्ट को लेकर क्या हो रहा है, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा और रिजल्ट जारी करने में किसकी मतलब देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर आप दोस्तों ये बात करेंगे कि किसान वाला जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या सरकार जिम्मेदार है, क्या अगर इस कानून को नहीं लाया जाता तो कुछ हो जाएगा कि मतलब इस कानून में ऐसा क्या है। क्योंकि जो किसान के संगठन दोस्तों होते हैं, देखिए आप एक होता है हमारा लीडर, हम किसी को लीडर दोस्तों चुनते हैं, जैसे दोस्तों हमने देश के लिए प्रधानमंत्री जी को चुना है वैसे दोस्तों किसान अपने नेता को चुनते हैं। जब उनकी नेता उनकी बात दोस्तों प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे कि नहीं, हमें यह कानून स्वीकार नहीं है, इस बिल को वापस ले लिया जाना चाहिए, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी दोस्तों वहीं पर। तो वही बात दोस्तों यहाँ डीएलएड में भी आती है। डीएलएड में देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पर पीएनपी या कहीं से भी दोस्तों कुछ अपडेट्स आती है ना, उस पर आज के डेट में किसी को रत्ती भर भरोसा नहीं है। अगर आपने दोस्तों कुछ दिन पहले के अपडेट को देखा होगा गाइस, तो आपको पता चला होगा कि जो डीएलएड का रिजल्ट आ रहा था वो 10 जनवरी तक हर हालत में सभी सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 10 तारीख के बाद आज 27 और 28 जनवरी की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ आपके सामने। तो फिलहाल दोस्तों अब एक नई तारीख हमें दी गई है 29 जनवरी, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है ये तारीख, देखते हैं क्या होता है। अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि 10 तारीख दोस्तों हमें पहले से एक तारीख दी गई थी, ठीक है, सोशल मीडिया की तारीख है, इंतजार करते हैं और जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल पीएनपी पर आपको कितना भरोसा है आप अंदाजा दोस्तों इसी अपडेट से लगा सकते हैं कि जब 10 जनवरी तारीख को दोस्तों बताकर अभी तक रिजल्ट नहीं लाया गया तो कोई भी तारीख आ जाए बच्चों का कोई भरोसा नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि जो डीएलएड का हमारा पेपर कैंसिल हुआ था, ठीक है, जो दोस्तों गणित का दोबारा पेपर 25 नवंबर को कराया गया, जी हाँ दोस्तों जानबूझकर उस पेपर को काफी लंबा किया गया। अगर आप दोस्तों गणित का जो पहले पेपर हुआ था और दोबारा दोस्तों पेपर हुआ, दोनों पेपर को अगर आप उठाकर देख लेंगे तो जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। तो मतलब जानबूझकर बच्चों से जो होता है ना कि पेपर को कठिन कर दिया जाए, पेपर को बड़ा बना दिया जाए जिससे छात्र उसमें उलझे रहे। जी हाँ दोस्तों, मतलब लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी का अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा 25 नवंबर वाले पेपर में, तो काफी ऐसे बच्चे होंगे जो पेपर को पूरा ही नहीं कर पाए होंगे, मतलब ये कि दोस्तों समय उनका खत्म हो चुका होगा पेपर करते करते, तो मतलब बहुत से बच्चों के क्वेश्चन छूट गए जिस कारण से उन छात्रों की बैक लग सकती है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, अगर जो बच्चे फेल होंगे अगर उनमें प्रमोट को लेकर कुछ दिक्कत आती है, जैसे कि दोस्तों बात हो रही है अभी तक लिखे ये कन्फर्म बिल्कुल नहीं है और उम्मीद है दोस्तों ऐसा होगा भी नहीं कि जो बच्चे अगर फेल भी होंगे तो गाइस उनको थर्ड सेमेस्टर में डाल दिया जाएगा, उनको वापस से प्रथम सेमेस्टर का पेपर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर ये बात काफी वायरल है तो इंतजार करते हैं हम लोग, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल ऐसी उम्मीद काफी कम है, ठीक है ना, तो ऐसी उम्मीद पर दोस्तों आप भरोसा मत रखिएगा कि जो बच्चा फेल होगा उसको फर्स्ट में लाया जाएगा, क्योंकि आप पहले से प्रमोट हो चुके हैं, आपको प्रमोट करना नहीं है। खाली दिक्कत यहाँ पर यह है ना कि यहाँ पर दोस्तों एक बात कही गई थी कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट होगा उसी रिजल्ट को दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का भी माना जाएगा। तो दिक्कत यहाँ पर यह आ रही कि अगर आप सेकेंड में फेल हो गए तो क्या आप फर्स्ट में भी फेल होंगे, बस बात यहां पर आकर फंस रही है। तो गाइस मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि। रिजल्ट के लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, जल्दी से जाइए चेक करिए, रिजल्ट आ गया होगा तो आप तुरंत उसको डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।